कि मोहम्मद आजम खान यहाँ के दूसरे मुख्यमंत्री बनकर के किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आपको पता नहीं है क्या? पता है कि नहीं? दोनों हाथ ला बताओ, पता है कि नहीं? पता है, यहाँ एकदम आतंक, अपराधी को खोजने के लिए पुलिस नहीं जानी चाहिए, लेकिन मोहम्मद आजम खान की भैंस खो जाए तो पुलिस उसको खोज करके मोहम्मद आजम खान के घर पहुंचाना चाहिए। क्या इसके लिए पुलिस होती है? मैं सुबह पढ़ रहा था कि आत्महत्या करना हराम है, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लेता। सुना है नहीं आप लोगों ने? आज मैं अभी सुबह सुबह देख रहा था समाचार में, मैंने कहा ये कहां से आ गए? अरे इतने मुकदमे लिखे हैं, उसकी जांच चल रही है, उस न्यायालय के समक्ष मामले विचाराधीन है, उसमें सजा होगी तो सजा कौन भुगतेगा? इतने मुकदमे, कितने गरीबों को परेशान किया है? जितने आंसू आप तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, लेकिन कितने गरीबों ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपने उनको खून के आंसू रुलाने का पाप किया है, अपराध किया है, और उसकी सजा इस चुनाव में आपको यहाँ की जनता जरूर देगी। किसी को माफ करने का काम किया, किसी को क्षमा करने का काम किया, किसी का उत्थान करने का काम किया नहीं, सदो जहर उगलने का काम किया है, सदो विष्भवन करने का काम किया है, समाज की एकता को तहस नहस करने का काम किया है, भारत माता को डायन कहने का पाप किया है, और ऐसे मोहम्मद आजम खान को सबक सिखाने का आपके पास अवसर है। अभी आपने उपचुनाव में दिखाया आपकी ताकत हनुमान जी से कम नहीं है, केवल आप ताकत भूल जाते हो। जब ताकत भूल जाते हो, ताकत ही याद दिलाने के लिए मैं आया हूं। एक सप्ताह में न जाने कौन कौन से नाटक मोहम्मद आजम खान यहां दिखाएंगे, लेकिन उनके नाटक के प्रभाव में पढ़ोगे क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, पढ़ोगे क्या? मैं समझता हूं मुझे तो दूर से लगा ये घड़ियाली आंसू है, लेकिन आप तो ज्यादा अच्छा जानते होंगे। मैं 2012 में विधायक बना था, और विधायक जब था उस समय प्रयागराज में कुंभ हो रहा था, और ये नगर विकास मंत्री थे, कुंभ का मेला नगर विकास मंत्री के अंतर्गत आता है, वहां भगदड़ मच गई, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री मर गए। इनको पता किया गया कहां है तो अपने ये बंगले में सो रहे हैं, जहां करोड़ों की संख्या में लोग आते हो, और जिसके ऊपर इतने बड़े कुंभ के मेले की जिम्मेदारी हो, उस समय उस मेले की व्यवस्था देखना चाहिए कि बंगले में चैन की नींद सोना चाहिए, इससे अंदाजा लगा सकते हो कितने जिम्मेदार और कितने लापरवाह। 2019 में भी प्रयागराज के अंदर कुंभ हुआ, और उस कुंभ में 24 करोड़ लोग आए। आप में से कोई गया होगा कुंभ में स्नान करने के लिए, लेकिन उस कुंभ के मेले में कोई एक भी दुर्घटना नहीं हुई।